गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन सी करेंगे और क्वेश्चन एफ करेंगे। क्वेश्चन डी और ई जो है उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, उसको अगली क्लास में हम कराएंगे। आप लोग अगर नहीं किए तो कोशिश कीजिए खुद से, फिर हम अगले क्लास में इसको ऐसे कराएंगे। क्वेश्चन सी पे आप लोग आते हैं तो क्वेश्चन सी में क्या करना है हम लोग को, जो भी इसमें का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उन सबको क्या करना है, सर्फिल करना है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, एनी है, फिर उसके बाद ऑल है, फिर उसके बाद मोस्ट है, फिर उसके बाद इनफ है, उसके बाद क्या है, होल है, उसके बाद क्या है, इनफ है, उसके बाद क्या है, हाफ है, उसके बाद हम लोग का मच है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्वेश्चन सी है हम लोग का, क्वेश्चन सी यहाँ तक का लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन डी करते हैं। देखिए क्वेश्चन डी अभी तो आपको बोले अगले क्लास में क्वेश्चन एफ पे आते हैं। क्वेश्चन एफ जो है हम लोग का, क्वेश्चन एफ देखिए क्या है। क्वेश्चन एफ में सबसे पहला जो है इसको एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है, नाम है वर्ब का। तो सबसे पहला हम क्या जाएगा, फियरलेस। दूसरा जो है हम लोग क्या जाएगा, क्लाउडी और विंडी। तीसरा जो है हो जाएगा रेनी। चौथा बुकिस। पांचवा स्कूल। सिक्स नंबर सुटेबल। सेवेंथ नंबर एक्टिव। एट नंबर हेल्पफुल। नाइन नंबर क्या रहेगा, पुलिस होगा। और टेन नंबर में फीवरिश हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्वेश्चन एक हो गया। आप इन सबको लिख लीजिए कॉपी में, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।